अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 70 साल तक पाल कर रखी थी। भूपेश बघेल शासन में थे, 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्यवाही नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया, 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया राहुल बाबा, 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप, मुझे बताओ मेरे छत। इधर कांकेर में अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान का हवाला दे दिया और कहा कि कांग्रेस ने देश की संपत्ति का पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया था। देश भर के मठ मंदिर और संपत्ति पर इनकी नजर टिकी हुई। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाने वाला है, मनमोहन सिंह को याद करो। उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का।